शिवपुरी जिले की कोलरस विधानसभा क्षेत्र के बसपा के उम्मीदवार नवल धाकड़ द्वारा नामांकन फॉर्म के अंतिम दिन सोमवार को हजारों समर्थकों के साथ कोलारस निर्वाचन अधिकारी मोतीलाल अहिरवार की सक्षम नामांकन का पर्चा दाखिल किया। बीएसपी उम्मीदवार नवल धाकड़ कोलारस विधानसभा क्षेत्र में काफी समय से सक्रिय बने हुए हैं, जिसके चलते सोमवार को उनके नामांकन दाखिल के दौरान विधानसभा क्षेत्र के विधानसभा प्रभारी अर्जुन राजे, विधानसभा अध्यक्ष राजा राम जाटव, जिला प्रभारी सुआलाल जाटव, वरिष्ठ कार्यकर्ता मनोज धाकड़ एवं कोलारस विधानसभा क्षेत्र के हजारों समर्थक उनके साथ रहे। इस दौरान धाकड़ ने कहा कि बसपा के मूल वोट बैंक के साथ साथ समाज के वोट बैंक का हमें पूरा समर्थन मिल रहा है, अन्य समाज का भी हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है। क्षेत्र की हालत बहुत खराब है। हाँ, क्षेत्र में पानी की समस्या सबसे ज़्यादा खराब है। डेली 10 घंटे की सरकार बात करती है, उसके बाद में 2 घंटे कहीं 1 घंटे कहीं आधा घंटे की क्षेत्र की रोड बहुत खराब है। अच्छा, मेरा नाम सुबहलाल जाटव है, मैं बहुजन समाज पार्टी से जिला प्रभारी। यहाँ पर जो पिछली सरकारों ने जो कार्य किया है, तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे? यहाँ पर लगातार जो सत्ता में पार्टियाँ रही हैं, उन्होंने गरीबों के लिए कोई कार्य और योजना नहीं बनाई है। जितनी भी सत्ताधारी पार्टियों ने आज तक 72 साल की आज़ादी में जो योजना बनाई है, वो सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े ठेकेदार कंपनियों के लिए बनाई है, जिससे किसानों को आज तक कोई भला नहीं। तो अभी अभी आपकी पार्टी मैदान में है, तो आप सबसे ज़्यादा अपने निकटतम प्रतिद्वंदी किसको मानते हैं, बीजेपी या कांग्रेस? आज बहुजन समाज पार्टी इस मुकाम पर कोलारस में खड़ी है कि हमारे निकट कोई आ भी नहीं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।